वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज औरंगाबाद SB स्टड फार्म पर, जैसे मैं आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, एक स्टैलियन यहाँ पर जो सेल के लिए था। आज सारे घोड़े यहाँ पर जो सेल के लिए है वो सभी बतलाने वाला हूँ और सारा फार्म का एक लुक बतलाऊँगा। उसके बाद में फिर आपको सारी डिटेल्स, यहाँ के जो ऑनर है सऊद भाई, उनसे बात करके लेंगे हम। ये घोड़ा था जो स्टैलियन मैं बतलाया था आप लोगों को, नुकरे भी है यहाँ पर फुलकारी, और अभी स्टार्ट करेंगे हम इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद भाई, अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आपके पास। ये जो घोड़ा है कौन से ब्रीड में है? ये प्योर मारवाड़ में। प्योर मारवाड़ जी उमर भाई। और इसका नाच काम वगैरह भी बताएंगे हम, और क्या एज है इसके भी? अभी देखिए उमर भाई, अभी दो दांत लगा रहा है, पूरा कंप्लीट भी नहीं किया अभी उसने। दो दांत जस्ट अभी लगा रहा है, वो जस्ट दो दांत लगा रहा है। क्वालिटी में बिल्कुल जेट ब्लैक है ना जी? पूरा जेट ब्लैक है, सिर्फ खुर के पास में एक वाइट स्पॉट है उसको। अच्छा, यहाँ पर जी पीछे वाले उस पे एक वाइट स्पॉट है। तिलक की तरह है बस। बस एक तिलक बोल सकते हैं आप उसको। बराबर पदम बोलते ना उसको? पदम सर जी, वो अब वो कैसा है सर जी, वो बेचने के लिए लोग अलग अलग अपने नाम रखते हैं, मेरे लिए तो वो वाइट स्पॉट है। अब आपको जो समझना है समझ लीजिए। बराबर, मेरे लिए भी वही है, लेकिन एक अलग अलग नाम होते हैं। जी। तो क्या प्राइस रख रहे हैं आप इसका? राइडिंग शुरू हो गई इसकी? नहीं नहीं, राइडिंग अभी सर उमर भाई दो दांत के बाद में राइडिंग स्टार्ट करते हैं, तो दो दांत तो अभी उसने जस्ट किया है, अभी उसको समझो और एक महीना तो भी वेट करना पड़ेगा उसको राइडिंग स्टार्ट करने के लिए। लेकिन नाच काम वगैरह कंप्लीट? नाच काम कंप्लीट उसने पकड़ लिया है, क्योंकि कैसा है घोड़ा थोड़ा ताकत में आ गया था, इसीलिए उसको नाच काम पकड़े थोड़ा ना, सवारी नहीं रही तो घोड़ा मस्ती में तो आता ही है। इसी अभी 60 हाइट है उमर भाई उसकी। 60 जी। खूबसूरत है बहुत, और बिल्कुल जेट ब्लैक जी, आप देखिए इसको। और इसका नाच काम बतलाऊंगा मैं। जल्दी से चलो, आई जवान, चलो चलो चलो, आई आई जवान, चलो बड़ा, चलो चलो चलो, आई चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ चलो 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 चलो, आई चलो 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 चलो, आई चलो 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 चलो, चलो 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 बड़ा, चलो 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 चलो। सर पे जैसे अभी नाच काम देखे हम, इसका क्या प्राइस रख रहे हैं आप इसका भी? इसकी तो उमर भाई, इसकी प्राइस तो 85,000 है। 85,000 जी आस्किंग प्राइस है। आस्किंग प्राइस है, स्लाइटली निगोशिएबल रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। वैसे भी हमारे चैनल का एक तकिया कलाम हो गया स्लाइटली निगोशिएबल का, तो बिल्कुल वाजबी दाम बतलाना और बिल्कुल बराए नाम कम करना ये अच्छी बात भी है, ताकि कस्टमर्स को परेशानी भी नहीं होती और एक एक्सपेक्टेशन प्राइस लेके आ भी सकते हैं। जी जी जी, वो फिक्स प्राइस बोलना बोले तो सर जी अभी बिल्कुल जी, घोड़ों के अंदर में फिक्स प्राइस तो कोई चीज़ की है ही नहीं, स्पेशली इंडिया के अंदर फिक्स प्राइस कभी नहीं, कभी नहीं, कम नहीं करेंगे बात नहीं होती जी। चलिए नेक्स्ट, आपके पास और भी बहुत सारे घोड़े हैं वो भी देखेंगे। सौ में नेक्स्ट में आपके पास फिर ये एक नुकरा घोड़ा है, और ये फुलकारी में है ना? ये फुलकारी नुकरा है। और कौन सी ब्रीड है ये? ये नुकरे में मारवाड़ में ही आएगा, मारवाड़ में उमर भाई। और क्या हाइट है इसके भी? इसकी 63 हाइट है। 63 हाइट है जी। शादी बारात? शादी बारात का जी, शादी बारात का सिंगल डबल बग्गी का गाड़ी का उसका चालू है। अच्छा, शादी बारात का भी चालू है, सिंगल डबल बग्गी का भी चालू है जी। और मैक्सिमम बहुत सारे लोग जो शादी बारात के लिए लेते, बिल्कुल वाइट हॉर्स लेते दिखे आप, या दूल्हे के लिए हो या फिर बग्गी के लिए, तो यहाँ पर अवेलेबल है, ये भी देख सकते हैं आप। राइडिंग वगैरह भी चालू है? राइडिंग का भी परफेक्ट चालू है। क्या एज है अभी? अभी 4 से 5 साल उम्र है उमर भाई इसकी। एज 4 से 5 साल जी है इसकी। क्या प्राइस पूछ रहे हैं आप इसका? इसका उमर भाई इसकी आस्किंग प्राइस 1,60,000 रुपये। आस्किंग 1,60,000 जी। और ये भी कम करेंगे आप? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट में फिर आपके पास और भी बहुत सारे हैं, थोड़ा इसको पलटा कर बतलाइए। बिल्कुल शरीफ है देखिए, यानी तेजी नहीं है इसके अंदर। और देवमन भी है ना सर्विस में? देवमन बाल भौरी के क्लियर है, कंटा देवमन जिस मतलब जो चीज़ लगती है बाल भौरी के हिसाब से वो सब चीज़ इसके अंदर में अवेलेबल है, और बाल भरी का ख़राब भी नहीं है, क्लियर है पूरा। और लेंथ में भी लंबा है घोड़ा? लेंथ में है, हाइट में है, शराफत है घोड़े के अंदर में, मतलब मारने करने की हर चीज़ की गारंटी, ऐसा क्या कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट में फिर आपके पास क्या है और भी देखेंगे। ये कौन सी ब्रीड है?
कौन सी ब्रीड है? सिंधी मारवाड़ मिक्स में आएगी। मारवाड़ मिक्स है जी, बिल्कुल। जैसे सिंधी की पहचान, अभी जैसे कान दूर देख रहे हैं, इसका लुक भी है इसके अंदर, आपको देखेंगे कंटिन्यू में भी। क्या हाइट है साउथ बेस की इसकी? 61 हाइट है इसकी उम्र भाई। 61 हाइट है जी। और एज क्या है इसकी? इसकी एज आएगी उम्र भाई 5 साल आएगी इसकी। 5 साल जी। इससे पहले एक बच्चा दे चुकी है ये। अच्छा, एक बच्चा आ गया जी। ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी लेना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। हाइट बहुत अच्छी दिख रही है वैसे इसकी, और साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है अभी तो नॉर्मल है। ये जो कंडीशन है इसकी क्या खास है? उमर भाई इसकी जो है सामने वाले ने जिसके पास में थी ये, तो उसने एक बच्चा लेके इसको छोड़ दिया था। मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरे पास में। अभी तो आप अगर इसको देखेंगे तो मेरे पास में 50-75% अच्छी बनी है अभी मेरे पास में। अब आप सोच सकते हैं कंडीशन में कैसी थी मेरे पास। यानी और भी बहुत अच्छी तैयार होती है कोई, क्योंकि खाना है घोड़ी के अंदर में, जानवर के अंदर में अगर खाने का शौक रहा, जानवर बहुत जल्दी तैयार हो जाता। बिल्कुल। अभी राइडिंग वगैरह में कैसी है? परफेक्ट है राइडिंग के लिए। अगर राइडिंग पर्पस के लिए इसको चाहिए तो राइडिंग के लिए परफेक्ट है। सिर्फ चाल के अंदर में 30+ चलती है जी। कान देखिए, जैसे मैं बतला रहा था आप लोगों को, मारवाड़ का जो लुक आता है वो भी बतला रही है, और सिंधी का भी लुक है इसके अंदर। सिंधी और मारवाड़ मिक्स में ही है। रेवाल चाल भी है इसके अंदर? रेवाल चाल भी है और खदम दोनों भी है। अच्छा, रेवाल भी है और खदम भी जी। क्या प्राइस पूछ रहे हैं आप इसका? इसका 85,000 आस्किंग प्राइस है इसका। 85,000 आस्किंग प्राइस जी। देवमन है इसमें? देवमन छोटा सा, एक बारीक देवमन है छोटा सा। अच्छा जी। चलिए, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर में है ये भी, और चेहरे पे इसके पट्टा है एक छोटा सा, और पीठ के ऊपर भी हल्के से वाइट स्पॉट है उसके, उस साइड से भी है, इस साइड से भी हल्के स्पॉट है। बिल्कुल बारीक से है जी। क्या प्राइस बताए थे आप इसका? 85,000। स्लाइटली कम, बस स्लाइटली, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा उम्र। जैसे अभी आप ये घोड़ी देखे थे यहाँ पर, और नेक्स्ट में फिर ये एक है, और सर भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये मारवाड़ में ब्रीड है उमर भाई। मारवाड़ में है? मारवाड़ में है। 28 महीने की बच्ची है। अच्छा, 28 महीने की बच्ची अभी फिल्ली है। जी, तो अभी क्या हाइट है इसकी? 59 हाइट है। तो राइडिंग स्टार्ट नहीं हुई इसकी? राइडिंग स्टार्ट है। स्टार्ट हो गई। रेवाल चाल है उसको। अच्छा, क्या प्राइस पूछ रहे हैं आप इसका? इसका 80,000। 80,000 है। चलिए, नेक्स्ट फिर देखेंगे और भी। इसका भी जैसे देख लिया आप लोग, और ये वाला है नेक्स्ट में, लाल पंचकलिया ने। देखिए, चारों पैर वाइट है इसके, 3 पैर में सॉक्स है बहुत अच्छा, और चेहरे पे पट्टा भी पूरा नीचे तक है। ये भी मारवाड़ में? ये भी प्योर मारवाड़ के अंदर में है जी। क्या हाइट है इसके भी? 61 हाइट है। अच्छा, ये ऊपर धब्बा है? नहीं, ये भरा हुआ है, मट्टी में भरा हुआ है। अच्छा, मट्टी में जी। कितनी हाइट है बोले आप इसकी? 61 है। और क्या प्राइस पूछ रहे हैं आप इसका? इसका 70,000 है फाइनल प्राइस। 70,000 फाइनल प्राइस है। तो राइडिंग वगैरह चालू है इसकी भी? राइडिंग चालू है। क्या एज है अभी? अभी 4 दांत लगाया है इसकी। 4 दांत लगाया है जी। तो चलिए, नेक्स्ट में फिर और देखेंगे आपके पास। ये भी बतला दिया आप निकाल के, और ये वाला है लास्ट में जी। तो ये घोड़ा है या घोड़ी है? ये घोड़ा है उमर भाई, ये अभी जस्ट मेरे पास में मतलब आया है। और फुलकारी है ये भी? हाँ जी। क्या एज है इसके अभी? उमर भाई ये 29 महीने का बच्चा है। ये अभी 29 महीने का बच्चा है। डबल का बग्गी का चालू है, शादी बारात का चालू है। अच्छा, डबल में बग्गी का भी चालू है, शादी बारात का भी चालू है। नाच काम है इसमें? नाच काम दो पैर का काम है इसमें, नाच काम नहीं है, दो पैर को है। अच्छा, यानी हलप है इसके अंदर जी। तो हलप सलामी वगैरह है इसके अंदर। और क्या प्राइस पूछ रहे हैं इसका? इसका 1,10,000। 1,10,000। क्या हाइट है इसके भी? 60 हाइट है। और भी ऐसे ही सारे ब्रीड के घोड़े मिलते रहेंगे आपके पास? कंटिन्यूसली माल आते जाते रहता है। अच्छा, माल मिलेगा जी, यानी हमेशा अवेलेबल रहेंगे हॉर्सेज आपके पास। रेगुलर ट्रेडर है, आप लोगों को चाहिए तो आके ले सकते हैं आप लोग यहाँ से। औरंगाबाद में कहाँ पर है सऊद भाई? ये औरंगाबाद के अंदर में, प्रॉपर सिटी औरंगाबाद के अंदर में जी। आप मेरे को आके औरंगाबाद में आके कॉल कर दिए तो मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। प्रॉपर सिटी के अंदर में आता है। अच्छा, तो औरंगाबाद की जो मेन सिटी है उसी के अंदर है आपका लोकेशन। अगर औरंगाबाद में कहीं पर भी आके आपको कॉल कर लिए तो आप पिक कर लेंगे। चलिए, इसी तरह और बहुत सारे वीडियोस बताता रहूँगा मैं आप लोगों को, यहाँ के और मार्केट्स भी बतलाने की कोशिश करूँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।